हाँ, त्रयोदश विभाग नाम है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो एथर आम कौन शिखुचु जोड़ा कि आम लाइफ रे यूटिलाइज कर पारिबो, से जिनस देखिबो। क्षेत्र आ क्षेत्रज्ञ अर्थ कौन? क्षेत्र होची आम शरीर, आम जो भौतिक जगत को आसू आम गोटे शरीर दिहाई, से शरीर नहीं आम सबकि कार्य करूँ। आ क्षेत्रज्ञ किए? क्षेत्रज्ञ होची आम निजे बा आत्मा, आत्मा आम शरीर में भगवान निजे अच्छा परमात्मा रूप में। आत्मा और परमात्मा भितर डिफरेंस तो आप जान लें, आत्मा है परमात्मा अंश, परमात्मा है भगवान निजे। तो से कौटी अच्छा? उभय आत्मा परमात्मा आम हृदय निकट रे अच्छा। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विषय का ज्ञान हूँ प्रकृत ज्ञान। आम जहाँ भी किसी दुनिया में ज्ञान अर्जन करुचु, आम क्षेत्र विषय में ज्ञान अर्जन करुचु, आम शरीर विषय में, नेचर प्रकृति विषय में बहुत किसी ज्ञान आहरण करुचु, भौतिक ज्ञान। किंतु क्षेत्रज्ञ विषय में आम कौन ज्ञान आहरण करना, तेणु आमर ज्ञान सब इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट। तो जिते आम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विषय में संपूर्ण ज्ञान ग्रहण करपरबू, ताले आम ज्ञान परफेक्ट हाँ। तो भगवान से जिनस कहते क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विषय का ज्ञान हूँ प्रकृत ज्ञान। तो से जिनस आम जानलु। तापर आ गोटे जिनस आम शरीर 24 तत्व या जिनस भगवान कहते पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त व मूल प्रकृति दस इंद्रिय मन इंद्रिय ग्राह्य पंच विषय एमती 24 तत्व को नहीं आम शरीर गठित होती। ता बाद आउ कौन जिनस आम यूज करूँ लाइफ रे? जो मैंने ज्ञान अधिकारी होती सबकि जान सारी सेहेवियर चेंज हो जाए, चेंज इन दिहेवियर, चेंज इन द आटीच्यूड। कौन? मानित्वर अभाव, ह्यूमिलिटी। सेमाने केवे चाहती ना मत लोक मैंने प्रशंसा करूँ, दंभ दर्प एसबू पाखे न थाए। लाइफ बहुत सिंपल थाए, कहीं अल्टीमेटली दुनिया में सत्य कौन जाणी पार्टी? जो मैंने सत्य कौन जाणी ना से भितर बहुत गर्व अहंकार थाए। तो आम चेष्टा करूँ गर्व अहंकार सबकि आम मन रू दूर करदेक। आ गोटे जिनस भगवान कहते जहाँ भी किसी कार्य हो दुनिया में सबकि प्रकृति ताकि दायी, किंतु जहाँ किसी कष्ट सुख दुख आसपाई केवल आम दायी। पुरुष सुख दुख नाम भक्तृत्व हेतु उच्यते, कहीं ना एसबू आम इच्छा रे होची, जदि सबकि प्रकृति करुच्ची आम इच्छा बिना एसबू जिनस होना तेणु आम ही ताकि दायी। आउ गोटे इम्पोर्टेन्ट जिनस जान लु, आम भगवान को विषय जानवाप भगवान को पाखक जावाप बहुत ज्ञानी हवा दरकार नहीं, ज्ञान माध्यम रे भगवान को अप्रोच करने दरकार नहीं। तो कौन किसी लोक केवल शुणी शुणी मध्यम भगवत धाम को प्राप्त करी पारंती श्रवण माध्यम रे। सेतपाई कहाचे जो नवधा नवविधा भक्ति अच्छे ताभितर त्रिविधा भक्ति इम्पोर्टेन्ट, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, आउ ताभितर सबुठ इम्पोर्टेन्ट है श्रवणम श्रवणम। कहीं ना यदि जड़े किसी भी पाठ जाणी ना पढ़ा जाणी ना पढ़ी पार ना कौन श्लोक मन रखी पार ना ज्ञान ना, तो केवल शुणी शुणी मध्यम से भगवान भगवत धाम प्राप्त हो पार। जोटा कि आम एग्जाम्पल देखल देवाहूति कपिल मुनि को शुणी शुणी से भगवत धाम प्राप्त होते। तो आमपाई भक्ति सेवा आगे श्रवणम बहुत इम्पोर्टेन्ट, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम ये तीन टे इम्पोर्टेन्ट, और सबुठ इम्पोर्टेन्ट है श्रवणम। हरे कृष्ण।